आईपीएल का 3700 मैच गुजरात और पंजाब के बीच खेला गया। इस मैच में पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। पंजाब की ओर से सेम करण और प्रभ सिमरन सिंह ने पारी शुरुआत करी। प्रभ सिमरन ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। प्रभ सिमरन ने 21 बॉलों में 35 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे। लेकिन प्रभ सिमरन के आउट होने के बाद में पंजाब की ओर से कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका और पंजाब के विकेट लगातार गिरते चले गए। गुजरात के साई किशोर ने इस मैच में पंजाब को बैकफुट पर डाल दिया। साई किशोर ने 4 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। लेकिन पंजाब के लिए हरप्रीत ब्रार ने अंतिम ओवर में आके 12 बॉलों में 29 रन बनाए, जिसके चलते पंजाब की टीम 20 ओवर में 142 रन बना सकी। अगर आपको बहुत ही कम समय में पूरे मैच की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो अब मैं आपका कीमती समय खराब नहीं करके वीडियो के बारे में आगे बात करता हूँ। 143 रन की अपेक्षा करने के लिए गुजरात की ओर से रिद्धिमान शाह और शुभम गिल ने पारी की शुरुआत करी। कप्तान शुभम गिल ने इस मैच में 35 रन जरूर बनाए, लेकिन शुभम गिल ने ये 35 रन 29 बॉल खेल के बनाए। शुभम गिल के बाद में साई सुदर्शन ने भी इस मैच में 34 बॉलों में 31 रन की पारी खेली और इनके आउट होने के बाद में जिसे गुजरात टीम बिखर सी गई हो। लेकिन अंतिम ओवरों में राहुल टेवटिया ने आके 18 बॉलों में 36 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत गुजरात टीम यह मैच जीत सकी। गुजरात ने यह मैच 3 विकेट से अपना नाम किया और साथ ही इस मैच में पंजाब के लिए हर्षद पटेल ने 3 ओवर में 15 रन देकर 5 विकेट अपना नाम किए और साई किशोर की शानदार बॉलिंग के चलते साई किशोर को इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो अब अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और चैनल को शेयर जरूर कर दें।